शहजादा धामी को मिला नया शो, शो में हुई इस एक्ट्रेस की एंट्री। दोस्तों शहजादा धामी कंट्रोवर्सी में घिर गए जब उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है से रातों रात बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आपको बता दें ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेकर्स ने शहजादा पर आरोप लगाया कि वो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल है और क्रू मेंबर्स के साथ रूड बिहेव करते हैं। इसी के साथ प्रतीक्षा होनमुखे को भी बाहर कर दिया गया जो कि शो में रूही का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। ऐसे में ये भी कहा गया कि प्रतीक्षा को शहजादा ने ही इन्फ्लुएंस किया था। ऐसे में अब बड़ी खबर सामने आ रही है शहजादा धामी से जुड़ी हुई। शहजादा धामी को मिल गया है कलर्स टीवी का नया शो। आपको बता दें शहजादा की एंट्री हो चुकी है कलर्स टीवी के शो लाचो में। वहीं शो में अब एक एक्ट्रेस की एंट्री हो चुकी है। जी हां दोस्तों आपको बता दें शो में एंट्री हो चुकी है सुम्बुल तौकीर खान की। सुम्बुल तौकीर खान शहजादा धामी संग स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। वहीं सुम्बुल तौकीर खान इस वक्त काव्या एक जज्बा में मिशकत वर्मा के साथ नजर आ रही हैं। शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। इसके बाद खबर आ रही है कि सुम्बुल शहजादा धामी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी कलर्स टीवी के नए शो में। आपको बता दें शहजादा धामी को जैसे ही शो से बाहर किया गया फैंस का दिल टूट गया। फैंस शहजादा को अरमान के कैरेक्टर में देखना चाहते थे लेकिन शहजादा धामी को रिप्लेस कर दिया रोहित पुरोहित ने। वहीं रूही का रोल प्ले करने वाली प्रतीक्षा होनमुखे को रिप्लेस किया गर्विता सदवानी ने। ऐसे में अब शहजादा धामी आगे बढ़ चुके हैं और उनके हाथ बड़ा प्रोजेक्ट भी लग चुका है। ऐसे में अब देखना होगा शहजादा अपने न्यू शो से मचाएंगे धमाल। शहजादा और सुम्बुल की जोड़ी करेगी बड़ा धमाका। क्या लगता है आपको इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और टेलीविजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।